फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी के बारे में तो सबने सुना होगा, बल्कि आपकी अपनी करोला, सिविक, पिकांटो, वैगनार, ये सब वगैरह फ्रंट व्हील ड्रिवन कार्स है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी काम कैसे करती है? तो इसी बात पे आज हम रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि एक फ्रंट व्हील ड्रिवन गाड़ी है क्या। फ्रंट व्हील ड्रिवन कार ऑपरेट कैसे करती है उसको समझाने का इससे बेहतर मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये एक गाड़ी है, उसका इंजन फ्रंट पे माउंटेड है और ठीक इसके नीचे इसके जो फ्रंट टायर्स होते हैं उसको इंजन से पावर मिल रही होती है और वही गाड़ी को मूव करती है। और दूसरे केस में अगर आप रेयर व्हील ड्राइव के बारे में आ जाएं तो इंजन से ड्राइव शाफ्ट से होते हुए रेयर व्हील से पावर आ रही होती है, वो गाड़ी को मूव करती है। लेकिन बात यहाँ फ्रंट व्हील की हो रही है तो हम रेयर व्हील को रहने देते हैं। अगर फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1929 में फोर्ड ऑटोमोबाइल कंपनी एक अमेरिकन कार कंपनी थी जिन्होंने पहली अमेरिका की फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी प्रोड्यूस की थी जो पब्लिक के लिए थी। उस गाड़ी का नाम था कॉर्ड L29 जो कि एक 5000 सीसी गाड़ी थी। तीन गियर थे उसमें, 130 किलोमीटर पर आवर उसकी टॉप स्पीड थी और 44,000 यूनिट बनाए थे 4 साल में। उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हो गई थी 1932 में। अब आ जाए फ्रंट व्हील ड्रिवन कार के प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले जो एडवांटेज है फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी का वो है ट्रैक्शन, क्योंकि इंजन और ट्रांसमिशन दोनों फ्रंट व्हील्स के ऊपर होते हैं तो उनका लोड होता है, तो उसकी वजह से टायरों में ट्रैक्शन आती है स्लिपरी सर्फेसेस पे और वैसे भी नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस में भी। फ्रंट व्हील ड्रिवन कार की फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें इंजन, ट्रांसमिशन और एक्सल वगैरह सब एक ही साथ होते हैं और बहुत कम मैकेनिकल पार्ट्स यूज हो रहे होते हैं। अगर आप इसमें रेयर व्हील ड्राइव के बारे में बात करें तो एक लंबी सी ड्राइव शाफ्ट पीछे जाती है, फिर डिफरेंशियल होता है, उसमें बहुत सारा मैकेनिकल ऐड ऑन हो जाता है, इसकी वजह से गाड़ी का वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आजकल की हमारी जो इकोनॉमिकल कार्स हैं, आपकी और हमारी सिविक करोला जो भी है सारी, वो फ्रंट व्हील ड्रिवन कार्स होती हैं क्योंकि इनकी फ्यूल कंजप्शन बहुत अच्छी होती है बजाय कि आप रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी खरीदें। सबसे बड़ा और मेजर एडवांटेज फ्रंट व्हील ड्रिवन कार्स का ये होता है क्योंकि इंजन, ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल और एक्सल सब एक यूनिट आगे की तरफ लगे होते हैं और ट्रांसवर्सली माउंटेड होते हैं, तो आपको इंटीरियर की स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाती है और कार्गो की स्पेस भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इसलिए आजकल हम गाड़ियों में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटीरियर स्पेस होती है, लेग रूम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और कार्गो भी ज़्यादा होता है इकोनॉमिकल कार्स में। ये तो थे फ्रंट व्हील ड्रिवन कार के एडवांटेजेस। अब इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं और सबसे पहला और खतरनाक जो डिसएडवांटेज है फ्रंट व्हील ड्रिवन कार का वो है अंडरस्टेयर। लेट्स सपोज आप गाड़ी 80 पे जा रहे हैं फ्रंट व्हील ड्रिवन कार पे, लेट्स सपोज आप उसमें जा रहे हैं कल्टस में जा रहे हैं, अगर आपने 80 की स्पीड में उसको राइट टर्न लिया ना तो गाड़ी राइट पे नहीं जाएगी, वो गाड़ी स्ट्रेट जाएगी क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा है आगे का, क्योंकि वो जिस मोमेंटम में जा रही थी अचानक से इतना जल्दी स्टेयर नहीं कर सकती वेट की वजह से, क्योंकि वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, इस वजह से गाड़ी में अंडर स्टेयर की सेंसेशन होती है खासतौर पर फ्रंट व्हील ड्रिवन कार पे। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि फ्रंट व्हील ड्रिवन कार्स की जो टोइंग कैपेसिटी होती है वो एज कम्पेयर टू रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी से बहुत ज़्यादा कम होती है। लास्ट और सबसे बड़ा ड्रॉबैक फ्रंट व्हील ड्रिवन कार्स का ये है कि वो रेयर व्हील गाड़ी की तरह एक्सेलरेट जल्दी नहीं कर सकती, इसलिए हम देखते हैं कि जो भी स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, सुपरा हो गई, कोई भी स्पोर्ट्स कार हो गई जैसे, वो सारी रेयर व्हील ड्राइव होती हैं या ऑल व्हील ड्राइव होती हैं। फ्रंट व्हील ड्रिवन कार्स बहुत कम होती हैं जो स्पोर्ट्स कार्स एज ए सुपर कार या स्पोर्ट्स कार यूज़ होती हैं। तो ये थे मेरे ख्याल फ्रंट व्हील ड्रिवन कार्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप और आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।